से फर्श तक का सफर रानू मंडल ने तय किया। अब वो एक ऐसा नाम और एक ऐसा चेहरा बन चुकी हैं जिसे किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, रानू मंडल ने हिमेश रेशमिया के साथ अपने गाने से डेब्यू किया। वहीं फैंस ने उन्हें खूब सारा प्यार भी दिया और प्यार देते आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी रानू मंडल को इसी तरह जगमगाते सितारे के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में रानू मंडल पर लता मंगेशकर, जो कि एक बहुत बड़ी गायिका है, उन्होंने उनके ऊपर तंज कसा था, या यूं कहें कि कुछ बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा कि रानू मंडल की सुरीली आवाज कैसी लगी, लेकिन लता मंगेशकर का बयान सामने आते ही कई फैंस उनसे नाराज हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि लता मंगेशकर को अपने कद और गरिमा का ख्याल रखते हुए रानू मंडल को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन पर कमेंट करना चाहिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि आखिरकार लता मंगेशकर ने कहा क्या था। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, अगर मेरे नाम से और मेरे काम से किसी का भला होता है तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। लता मंगेशकर ने कहा कि किसी के जैसा होना आपको लंबे वक्त तक सफलता नहीं देता है। मेरे किशोरदा रफी साहब के गाने, मुकेश भैया आशा के गानों को गाने से कम वक्त के लिए किसी का ध्यान खींचा जा सकता है, लेकिन आखिर तक नहीं। लता मंगेशकर के इस बयान से फैंस काफी हताश हुए। शायद उनको इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि रानू मंडल पर ये इस तरीके से बयानबाजी करेंगे। तो नाराजगी जाहिर करते हुए एक यूजर्स ने लिखा, मुझे लता मंगेशकर के इस पक्ष के बारे में नहीं पता था, उन्हें तो प्रोत्साहन देना चाहिए था और मैं प्रोड्यूसर से सपोर्ट करने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन रानू मंडल के ऊपर उनका एक अलग रवैया सामने आया है। हालांकि इस बात से फैंस काफ़ी नाराज़ हैं कि आखिरकार लता ने ऐसी बात क्यों कही। एक यूज़र ने यह भी लिखा कि लता मंगेशकर असुरक्षित सिंगर है, पहले और आज में कुछ नहीं बदला, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिला है। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रानू मंडल की शोहरत से आपको जलन हो रही है, यही वजह है कि आप रानू मंडल की तारीफ नहीं कर रही हैं और उनको ट्रॉल कर रही हैं। वैसे एक यूज़र ने ये तक कहा कि रानू मंडल को खाना पीने के लिए गाती हैं, उनकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं, लता जी के इस व्यवहार को अपनाना आसान बात नहीं है। तो वहीं और भी कई यूज़र्स ने लता मंगेशकर को काफ़ी ट्वीट कर खड़ी खोटी सुनाने की कोशिश की है। अब इस बात पर लता जी का क्या रिएक्शन आता है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से। ज्योति की रिपोर्ट।